रॉबिन उथप्पा, इस नाम से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। रॉबिन उथप्पा इन दिनों फिर से चर्चा में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी शीतल ने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है और इस तस्वीर में उनके ठीक बगल में साक्षी धोनी, फिर गोद में अपने बेटे को लिए उथप्पा और उनके बगल में उथप्पा की पत्नी शीतल दिखाई दे रही। इस तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। शीतल ने, जो कि रॉबिन उथप्पा की पत्नी है, उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, साक्षी आज मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत सारा प्यार। फौरन इस पर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी एक खूबसूरत सा कमेंट लिखा। उन्होंने लिखा कि उम्मीद करती हूँ हम लोग बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे। आपको ये भी बता दें कि साक्षी आईपीएल 2021 के दौरान धोनी के साथ नहीं थी, वो अपनी बेटी जीवा के साथ रांची में ही रह रही थी, क्योंकि कोविड के दौर में जो एक बायो बबल तैयार किया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए साक्षी अलग अलग जगहों पर हो रहे मैच में नहीं दिखती थी। वैसे आपको रॉबिन उथप्पा और शीतल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, दोनों ने 3 मार्च 2016 को शादी रचाई थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से डेट कर रहे थे। ये साल 2009 का था जब एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। रॉबिन और शीतल की जैसे ही मुलाकात हुई दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया। फिर दोनों मिलते रहे। शीतल और रॉबिन ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई और दोनों ने फैसला किया कि शादी करेंगे। शादी में अड़चन ये थी कि रॉबिन उथप्पा ईसाई थे जबकि शीतल हिंदू थी, तो ऐसे में अड़चन आनी ही थी। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। उथप्पा शीतल को प्रपोज कर चुके थे और शीतल ने इसके लिए हाँ भी कर दिया था। बहुत कोशिशों के बाद 3 मार्च 2016 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। और पहले दोनों की शादी ईसाई रीति रिवाज के साथ हुई, फिर रिसेप्शन रखा गया और फिर 11 मार्च 2016 को हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी की।